देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ। सिंगरौली से रेनू शाह को टिकट दिए जाने पर और अजय सिंह राहुल के फोन कर अरविंद सिंह को मना कर देने के बाद पैराशूट पहन बसपा ने अभी 15 दिन पहले दल बदलकर कांग्रेस में आई रेनू शाह को टिकट दिए जाने की सूचना से सिंगरौली जिला कांग्रेस कमेटी में घमासान मचा हुआ है और पार्टी कार्यकर्ताओं के विरुद्ध सुर तेज होने लगे हैं। बता दें कि बकौल कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष अरविंद सिंह चंदेल के पास नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने जब फोन करके कहा कि इस्तीफा ना दिया जाए, अरविंद बाद में देखा जाए, तब टिकट पाने की आस लगाए अरविंद सिंह को करारा झटका लगा और दुखी अरविंद सिंह ने सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ प्रेस वार्ता कर डाली। आंखों में आंसू छिपाए अरविंद सिंह ने कहा कि मुझे उपयोग की वस्तु समझ लिए हैं। 13 साल राजा बाबा ने उपयोग किया, 17 साल अजय सिंह राहुल ने, जब चाहे उपयोग करेंगे, जब चाहे छोड़ देंगे। 7 साल से मुझे वर्किंग प्रेसिडेंट बनाने का आश्वासन मिल रहा है लेकिन आज तक लिखित रूप से किसी भी तरह का नियुक्त पत्र नहीं दिया गया है। साथ ही अरविंद सिंह ने यह आरोप भी लगाया कि शीर्ष नेतृत्व द्वारा सर्वे को नजरअंदाज कर पैराशूट नेता रेनू शाह को टिकट दी है जिस कारण पूरे जिला कार्यकारिणी में भारी आक्रोश पनप रहा है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यदि पार्टी परस सूट नेताओं को टिकट देती है तो सिंगरौली जिले के सैकड़ों कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी से अलविदा कह देंगे। बात नहीं है, हमारे जिला अध्यक्ष तिलकराज सिंह ने भी इस्तीफा भेज दिया है, कल आप सबको पता है, उनके साथ भी अन्याय हो रहा है, चितरंगी में भी अन्याय हो रहा है, देवसर में भी अन्याय हो रहा है, इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे और यही स्थिति रही तो हम सब कार्यकर्ता मिलकर बोल रहे हैं कि सरकार मध्य प्रदेश में नहीं बन पाएगी, ना बन पाएगी। हम सब लोग सरकार बनाना चाहते थे, अपने खून पसीने के से कांग्रेस को रंगना चाहते थे और दिखाना चाहते थे कि अब सामंतशाही का जमाना नहीं है। आम लोग, जो कांग्रेस पार्टी एक झोले में रहा करती थी, आज सिंगरौली में सड़क पर खड़ी है। लेकिन हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय, इतना बड़ा अत्याचार, हमें सिर्फ उपयोग की वस्तु समझ लिया गया है कि जब आप चाहो हमें इस्तेमाल कर लो, जब हम चाहो उपयोग कर लो और जब चाहो जब समय आए हमारे कार्यकर्ता का। इसी तरह पार्षदों का टिकट होता है, सफेदा लगा दिया जाता है। 7 साल से अध्यक्ष जी ने कह दिया मैं काम नहीं करूंगा, 7 साल से प्रदेश अध्यक्षों के द्वारा हमसे कहा गया कि आप वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, आपका जल्दी नियुक्त पत्र मिल रहा है, आज तक हमको कोई पूछने नहीं आया और न अभी तक हमें कोई पार्टी का व्यक्ति संपर्क किया। माननीय आदरणीय अजय सिंह राहुल भैया, हम उनको नेता मानते थे, उनके संरक्षण में कांग्रेस का काम करते थे, उन्होंने हमें फोन लगा के कहा 3 बजे कि अरविंद इस्तीफा न दे, आगे देखा जाए। क्या मेरा इतना ही स्तर है? हमें हमारे कह देने से क्या मैं सब कुछ हो जाऊंगा? और आज रेनू शाह का इतना विरोध है इस प्रत्याशी का, क्योंकि कांग्रेस की नहीं है, कि कोई भी कार्यकर्ता हम चाह के भी हम उनकी मदद नहीं कर पाएंगे, उनको वोट नहीं कर पाएंगे, हम चाह के भी उनकी मदद तो नहीं जीता पाएंगे। हमारे निष्ठा पे आंच आएगी, इसलिए मैं निष्ठा से पहले से पार्टी से कंडीशनल त्याग पत्र दे रहा हूँ कि यदि हमें टिकट दिया जाए या 11 लोगों में जिन्होंने आवेदन कांग्रेस से किया है, कांग्रेस का व्यक्ति है, उसे किसी को टिकट दिया जाएगा, हम जिता के मध्य प्रदेश विधानसभा में भेजेंगे और सिंगरौली की समस्याओं को हल करवाने का प्रयास करेंगे। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं 7 तारीख तक इंतजार करूंगा, 8 तारीख को कार्यकर्ताओं के साथ बैठ कर रणनीति तय करूंगा और 9 तारीख को सिंगरौली में सिंगरौली के हित के लिए लड़ाई लड़ने के लिए, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए 9 तारीख को आवेदन फॉर्म कलेक्टर में जमा करूंगा और विधानसभा चुनाव में मैदान में आऊंगा। खबर समय जगत के लिए सिंगरौली से ओम प्रकाश दुबे की रिपोर्ट। देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ।